सिडनी पिंक वर्सेज मेलबोर्न ग्रीन के बीच महामुकाबला आज दोपहर दोस्तों 12:35 PM को खेला जाना लाजवाब मुकाबला है, क्योंकि दोस्तों इसकी ग्रैंड लीग बहुत बढ़ाकर के 11 करोड़ रुपए कर दी गई। दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है, दोस्तों लाजवाब तरीके से आप खेल सकते हो और फर्स्ट विजेता को कितने रुपए मिलेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट विजेता की प्राइस कितनी, मात्र 24 रुपए से आपको एंट्री करनी है, मात्र 24 रुपए से एंट्री करनी है और फर्स्ट विजेता को मिलने वाले दोस्तों 1 करोड़ रुपए। दोस्तों तो फिर देर किस बात की, आप लोगों को जानना चाहिए किस तरह से टीम बनाए, कौन विकेट कीपर लेकर चलना है, कितने विकेट कीपर लेकर चलना है, कितने दोस्तों बैट्समैन लेकर चलना है, कितने ऑलराउंडर लेकर के चलना है और कितने बॉलर लेकर के चलना है, सब कुछ आपको जानना है दोस्तों। वो भी हम आपको बताएंगे ज्योतिष विद्या के द्वारा आज किसके तारे चमक रहे, किसकी राशि क्या है, कौन सा दोस्तों खिलाड़ी छक्के कितने चौके और कितने रन बनाने वाला, सब कुछ आपको बताएंगे ज्योतिष विद्या के द्वारा। तो आप लोगों को क्या करना है, धैर्य रखना है, वीडियो में बने रहना है, आप लोगों को पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों दोस्तों हम सब मिलकर के आज दोस्तों करोड़ रुपए जीतने वाले, तो देर मत कीजिए और चलते हैं दोस्तों ज्योतिष विद्या का सहारा लेते हैं दोस्तों और चलते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों ज्योतिष विद्या के द्वारा आज हम आपको बताने वाले। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको दोस्तों कितने विकेट कीपर लेकर के चलना है, आपको सबसे पहले ये बात जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप दोस्तों 3 विकेट कीपर लेकर के चल रहे तो आपकी घंटी बजने वाली है, दोस्तों आप माइनस में जा रहे हैं, अर्थात दोस्तों आपका परफॉर्मेंस ढीला पड़ रहा है। दोस्तों आप कदापि 3 विकेट कीपर लेकर के आपको नहीं जाना दोस्तों, अगर 3 विकेट कीपर लेकर जाएंगे तो दोस्तों आपकी घंटी बजने वाली। तो फिर आपको करना क्या है, आपको कितने विकेट कीपर के साथ जाना, ये आपको हम बताने वाले। तो दोस्तों अगर आप 2 विकेट कीपर के साथ जाते हैं तो दोस्तों आप खूब जबरदस्त रोने वाले हैं, दोस्तों खूब आंसू आपके बहने वाले। तो आपको करना क्या है, आपको कितने विकेट कीपर के साथ जाना, ये हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों तो आपको क्या करना है, दोस्तों यहां पर आपको 1 विकेट कीपर के साथ जाना, 1 विकेट कीपर के साथ जाना आपका शुभ योग है दोस्तों, 1 विकेट कीपर आपके लिए बेहद ही शुभ है। दोस्तों यहां पर आपको फिर 1 विकेट कीपर के साथ साथ आपको क्या करना है, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आप बिल्कुल देरी मत कीजिए दोस्तों, तो यहां पर आपको देखिएगा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखिएगा यहां पर क्या होने वाला है। विकेट कीपर की बात हो चुकी है, अब बात आती है दोस्तों अगर बैट्समैन की, आपको बैट्समैन कितने लेना है, विकेट कीपर 1 लेकर के चलना तभी आपका शुभ योग बनेगा। अगर बैट्समैन की बात करें तो यहां पर आपके लिए 4 बैट्समैन बेहद ही शुभ दिख रहे हैं, अगर आप यहां पर दोस्तों 5 बैट्समैन लेकर के चल रहे हैं तो दोस्तों आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। दोस्तों यहां पर अगर आप 4 बैट्समैन लेकर के चल रहे हैं तो आपको डॉलर का साइन और दोस्तों चंद्रमा आपका साक्षीकरण होने वाला है। दोस्तों तो आप लोग बिल्कुल देरी मत कीजिए, आप 4 बैट्समैन के साथ जा सकते हैं और दोस्तों अगर आप 5 बैट्समैन के साथ जाते हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही दिक्कत होने वाली। तो दोस्तों आप बिल्कुल देर मत कीजिए, अगर आप 3 बैट्समैन के साथ जाते तो आपकी घंटी बजने वाली है, अगर आप 4 बैट्समैन के साथ है तभी दोस्तों आपके सर पर मुकुट लगने वाला है। तो दोस्तों देरी किस बात की, आपको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, 4 बैट्समैन के साथ जाइए और विकेट कीपर लेकर के दोस्तों कितने हो जाएंगे आपके पास, 5 हो जाएंगे और 5 खिलाड़ी आपके लिए बहुत ही शुभ ही हो गया दोस्तों आज के लिए। दोस्तों आपको दोस्तों बहुत ही ज्यादा डॉलरों की बौछार होने वाली। अब बात आती है दोस्तों ऑलराउंडर की, यहाँ पर आपको कितने ऑलराउंडर के साथ जाना है और आपको कितने खिलाड़ियों के साथ जाना है, आपको ये भी देखना होगा दोस्तों पूरी तरह से। तो आपको कितने ऑलराउंडर के साथ जाना है दोस्तों, ये देखने की बात होगी कि कितने ऑलराउंडर आपको सिलेक्ट करना है आज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने ऑलराउंडर आपको सिलेक्ट करने हैं यहाँ पर दोस्तों, देखिएगा। अब ऑलराउंडर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप अगर 2 ऑलराउंडर के साथ जा रहे थे, 1+1 दोनों ही टीम थे, 1-1 ऑलराउंडर लीजिए और दोस्तों लाजवाब तरीके से अपनी टीम बनाइए और करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप देरी करते हुए आप ऑलराउंडर की बात करते तो आप 2 ऑलराउंडर के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, 2 ऑलराउंडर के साथ जाइए और लाखों करोड़ रुपए कमाइए। और दोस्तों अब बात आती है दोस्तों यहां पर बॉलर की, तो अब बॉलर में आप क्या करेंगे दोस्तों, आप बॉलर के साथ जाते हैं तो बॉलर भी आप 4 लीजिए दोस्तों, बॉलर 4 का योग आपके लिए बेहद ही शुभ बन रहा है। आप 4 बॉलर लेंगे तो बेहद ही शुभ योग बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए 4 बॉलर आपके लिए मुकुट लगा देंगे दोस्तों। आप 4 बॉलर लेंगे, अगर 3 बॉलर लेते हैं तो आपकी घंटी बजने वाली है, अगर 5 बॉलर लेते हैं तो आपका साथ कोई देने वाला नहीं है। तो दोस्तों इसलिए आपको क्या करना है, आपको दोस्तों 4 बॉलर लेकर 4 बिल्कुल सीधा शुभ है
वो आपके लिए बहुत ही अच्छा अंक है दोस्तों, चार बॉलर के लिए, तो आप देरी नहीं करते। अब दोस्तों हम आपको बता दिया है क्या क्या करना है आपको, एक विकेट कीपर दोस्तों आपको क्या क्या करना है, आपको एक विकेट कीपर लेना है, चार बैट्समैन लेना है, दो ऑलराउंडर लेना है और दोस्तों चार बॉलर लेकर के अपनी एक बेस्ट टीम बनानी है दोस्तों। यहाँ पर ये 11 सदस्यीय टीम आपको दोस्तों लाखों रुपए जिताएगी। आप दोस्तों ड्रीम इलेवन में हार हार कर परेशान हो गए, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल मन में दोस्तों आशंका मत कीजिए, आज फिर से हारेंगे, बिल्कुल नहीं हारोगे, आज दोस्तों आप जीतने वाले हैं। और चलते दोस्तों बनाते बेस्ट टीम दोस्तों, कौन कौन खिलाड़ी लेना है क्यों? तो दो प्रकार से हम आपको टीम बनाकर देंगे, एक होगी हमारी सेफ टीम, एक होगी हमारी रिस्की टीम। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेफ टीम दोस्तों, बहुत सिडनी पिंग वर्सेस मेलबर्न के बीच महामुकाबला 11 करोड़ रुपए दोस्तों। और चलते हैं सबसे पहले ये देखते हैं यहां का मुकाबला कहां पर होने वाला है, पिच दोस्तों कैसी है। पिच दोस्तों यहां पर बैलेंस पिच है, आदर्श बॉलिंग स्टाइल तेज अर्थात पेसर्स को मदद मिलने वाली। औसत स्कोर यहां का दोस्तों 143 रन है, कितना है 143 रन औसत स्कोर है दोस्तों। मैच का स्थान क्या है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड दोस्तों, SCG सिडनी क्रिकेट ग्राउंड मैदान है दोस्तों, लाजवाब ग्राउंड है। अब चलते हैं गाइड करते हैं दोस्तों, मैच के आंकड़े देखते हैं दोनों के बीच जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। देखिए 6 वर्सेस दोस्तों इसलिए 5 मैचों का दोस्तों पिछला रिकॉर्ड देखना चाहेंगे तो 6 ने 3 मैच विन किए और एसटीए ने एक भी मैच नहीं जीता, इसलिए 6 सिडनी का दोस्तों, ये दोस्तों बहुत स्निपिंग का रिकॉर्ड बहुत अच्छा और जीत के चांस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों यहां मैच के आंकड़े देखते हैं, मैच के आंकड़े या ग्राउंड के आंकड़े देखते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं पिच बैलेंस है, बेहतरीन पेसर्स को मदद मिलने वाली, मौसम में बारिश होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। औसत स्कोर यहां का 143 रन, कुल विकेट यहां 60 गिरे, जहां पेसर्स को 40 और स्पिनर को 20 विकेट मिले हैं दोस्तों। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो यहां पर दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच 14 मुकाबले खेले गए, जहां सिक्स ने 11 जीते, एसटीए ने 3 जीते, अर्थात कोई भी मुकाबला टाई या ड्रा नहीं रहा। तो दोस्तों आपको पूरी तरह से हमने दोस्तों ग्राउंड रिपोर्ट भी बताई, हम चलते बनाते हैं दोस्तों बेस्ट ड्रीम टीम दोस्तों, लाजवाब तरीके से हम लोग ड्रीम टीम बनाते हैं। और चलते हैं एक सबसे पहले एक सेफ टीम की दोस्तों तलाश करते हैं, जहां जे फ्लिप्स को लेते हैं और बैटिंग पर चलते हैं तो दोस्तों जेविंस को लेते हैं दोस्तों। यहां 6 के खिलाड़ी बहुत लाजवाब है, जेविंस है, उसके बाद दोस्तों यहां पर लेते एच कार्टराइट को लेते हैं, जे सिल्क को ले लेते हैं, जे सिल्क के बाद दोस्तों यहां पर देते हैं टी फेजर रोजर्स को ले लेते हैं, या दोस्तों टी फेजर रोजर्स के बाद हम चलते ऑलराउंडर में ग्रैन मैक्सवेल को ले लेते हैं और दोस्तों एसटीए के हो गए। अब दोस्तों 6 के हेम हेंड्रिक्स को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है बॉलर की तो दोस्तों यहां पर एचरोप को ले लेते हैं, एचरोप के बाद दोस्तों एसटीए का बॉलर हो गए एचरोप, 6 का दोस्तों बी द्वारसियस हो गया, अब इसके बाद दोस्तों 6 का दोस्तों जे बर्ड्स हो गए और 6 का दोस्तों अब एक एसटीए का बाला लेना है, एम स्टेट की टीम को ले सकते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है कप्तान चुनने की, क्योंकि दोस्तों ड्रीम इलेवन में कप्तान चुनना बेहद ही टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि जिसका कप्तान गिरफ्त में आ जाते हैं लाखों करोड़ रुपए वही कमा जाता है, क्योंकि कप्तान का एक अंक दुगुना, वाइस कैप्टन का एक अंक डेढ़ गुना हो जाता है, जो आपकी रैंक में काफी इजाफा करते हैं दोस्तों। और चलते देरी न करते हुए कप्तान बनाते हैं दोस्तों, यहां हम ग्लेन मैक्सवेल को दोस्तों वाइस कैप्टन बनाते, ग्लेन मैक्सवेल को दोस्तों हम क्या करते हैं, ग्लेन मैक्सवेल को दोस्तों यहां पर एम हेंड्रिक्स को वाइस कैप्टन बनाते हैं और दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल को दोस्तों कैप्टन बनाकर के टीम को कर देते हैं सेफ। तो ये हमारी जो सेफ टीम है वो सेव हो चुकी है। अब बात आती है दोस्तों दूसरी जो रिस्की टीम है, मनाजर एफ हार्पर को लेते हैं, एफ हार्पर के बाद दोस्तों हम चलते हैं यहां पर जे डेविड जो डेविस को लेते हैं और जे डेविस के बाद दोस्तों टी हुजेस को ले लेते हैं, टी हुजेस के बाद दोस्तों यहां पर एच कार्टर को लेते हैं, एच कार्टर के बाद दोस्तों यहां पर हम ले लेते हैं जो जे सिल्क को। अब इसके बाद चलते हैं हम यहां पर चलते हैं एम स्टोनिस को लेते हैं, एम स्टोनिस के बाद दोस्तों हम बी वेबस्टर को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों यहां पर आती है बात यूमीर को लेते हैं, यूमीर के बाद एम स्टेट की हो गए, एओ कीफे को ले लेते हैं, मर्फी को लेते हैं और इसके बाद दोस्तों यहां पर एच राउप को ले लेते हैं, दोस्तों यहां पर एच राउप को ले लेते हैं, यहां पर टी डोरिस और
दोस्तों एच रॉब को लेकर के हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर अब फिर से एक बार बात आती है दोस्तों कप्तान और कप्तान बनाने की, तो आओ चलते हैं बनाते हैं। बेवेरस्टोस को कप्तान बना लेते हैं और वाइस कैप्टन के रूप में दोस्तों हम एम स्टोनिस को लेते हैं। एम स्टोनिस को वाइस कैप्टन बनाकर के टीम को सेव कर देते हैं। तो दोस्तों हमारी ये दो टीम बिल्कुल बनकर के तैयार हो गई, आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे। दोस्तों ये देखिए दोनों टीम है, देखिए यहां पर दोस्तों जो हमने सेव टीम बनाई है वहां पर कप्तान दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल को बनाया है, वाइस कैप एम हेंड्रिक्स को बनाया है और दोस्तों यहां पर सिक्स के छह खिलाड़ियों को लिया है और दोस्तों एसटीए के पांच खिलाड़ियों को लेकर के एक जबरदस्त टीम बनाई है। दूसरी जो हमारी आप टीम देखेंगे दोस्तों यहां पर ये देखिएगा, यहां पर ये है जो रिस्की टीम है, जहां रिस्क लेना चाहिए दोस्तों, रिस्क लेना बहुत ही दोस्तों जरूरी है क्योंकि जो रिस्क नहीं लेता वो जीवन रिस्क नहीं करता। दोस्तों यहां पर ये देखिए बी वेवेस्टर है जो दोस्तों कप्तान है, वाइस कैप्टन के लिए मार्कस स्टोनिस है। दोस्तों यहां पर लाजवाब तरीके से टीम बनाई और दोस्तों यहाँ सिक्स के फाइव खिलाड़ी है और एसटीए के छह खिलाड़ियों को लेकर टीम बनाई। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते किसी अन इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और दोस्तों हमारी फाइनल टीम जाने के लिए दास होने के मात्र 10 मिनट बाद आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पर जरूर दे देंगे, जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल को जरूर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों।